अच्छा तेरे उलगे तो लग रहा है सारी जिंदगी फतराना खांदा रहे हैं, तू सदका खांदा रहे हैं। ऐसे बंदे की शक्ल भी देखो, ऐसी शक्ल गौर ना बंदा देखे ना तो बंदा कहता यार बड़े माड़े दिन से। बंदा तुलन लेने जाए, एहतजाज तो बाद में भी होते रहेंगे। पहले जाके अपनी बेगम नु ले आओ, फिर एहतजाज चल जाना है। नो वेको कोई और कोई ला माइक जरा दूर रखे। दूर क्यों रखे, मतलब की ताड़े मुंह च बड़ा है। तो क्या सोचा है आपने? बिल्कुल गोल 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 जो आप कहेंगे वही सोच। मतलब की समना बाद गोल चक्कर बनना जानते हो कि गल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विक्की अल मशहूर ससरा। नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं कि शादियों का सीज़न चल रहा है और शादियों का सीज़न ऐसा अरूज पर है, हर बंदा शादी करने के चक्कर में। लेकिन एक अनोखी शादी हुई है, अजीब व गरीब सी शादी ऐसी हुई है कि दुल्हन इंतज़ार में है और दूल्हा एहतजाज में है। यानी कि दूल्हा जो है महंगाई से तंग आकर एहतजाजी रैली में शामिल हो गया बरातियों समेत। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। और वहाँ दुल्हन बेचारी इंतजार कर रही है उसका और वो एहतजाज कर रहा है। कमाल हो गया कि दूल्हा एहतजाज के अंदर शामिल हुआ, पहले बेबी लेने नहीं गया, ससुराल पहले एहतजाज में चला गया। मेरे साथ रहिए, लोगों से बात करते हैं। ਤਾਡਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਛੁਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੈਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਵੰਡਿਆ। ਸਰ ਨਾਮ ਬਤਾਇਆ ਆਪਣਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਮੁਹੰਮਦ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਮਰਾਨ, ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੱਖਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਦੁਲਹਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੇ ਵਿਚਾਰੀ ਵਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇਤਜਾਜ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਤਜਾਜ ਕਰਾਂ। ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। दुल्हन पहले लेने जाए एहतजाज तो होते रहते। ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो उसके दिल की फीलिंग होगी तो वो जो है ना चला गया। महंगाई से इतना तंग आया हो? नहीं, आप इसको महंगाई नहीं कह सकते, अरेंज मैरिज कह सकते। अरे भैया आगे बढ़ ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तेरे उलगे तो लग रहा है सारी जिंदगी फतराना खांदा रहे हैं, तू सदका खांदा रहे। ऐसे बंदे की शक्ल भी देखो, ऐसी शक्ल गौर ना बंदा देखे ना तो बंदा कहता यार बड़े माड़े दिन से। वो महंगाई से तंग आके ना दुल्हन छोड़ दी उसने और एहतजाज में शामिल हो गया, क्या वजह हो सकती है? खुद ज़हन च की आया कि मैं दुल्हन बाद च लैके आवांगा? उन्हें पहले महंगाई घट कर ली, अब चौल सस्ते हो जाने फिर ब्याह कर लगा। दूल्हा एहतजाज के अंदर शामिल हो गया है, बारात दुल्हन लेने जाना चाहिए उसको, क्या उसके ज़हन में था? वो महंगाई थोड़ी कर दी, सर को ही ज्यादा मंगन गए वो, इतना खर्चा के खर्चे के चक्कर जो नस गया। नहीं तो की कहोगे दूल्हे नु के खुदा दा वास्ते पहले भाभी ले आ। नहीं, घर वाले नु बैठ के जड़ा है ना डिस्कस कर लेने चाहिए के हुण उन्हें जड़ा है ना किवें लैके आना है, जड़ा अपनी वाइफ नु किवें लैके आना है। पता लगे वलीमे वाले दिन धरना दे देवे जरा खर्चा दोवें। दुल्हा जो है ना बारात लेकर जा रहा था और वो एहतजाजी रैली के अंदर चला गया, दुल्हन लेने नहीं गया, क्या कहते हैं? इसकी मर्जी है तो नहीं गया तो नहीं। वहाँ दुल्हन इंतजार के अंदर है, क्या ज़हन में चल रहा था उसके के वहाँ सलामी ज्यादा मांग लेंगे क्या? शायद यही सोचा होगा डर के, ज्यादा पैसे मांग देने। यही शायद होगा डर के। दुल्हन लेने नहीं गया, पहले एहतजाज में गया। तो आप भी ऐसा करने वाले हैं कुछ? ओ नहीं भाई, हम तो उसको छोड़ देते बस अपने घर जाते, क्योंकि हमने लोगों से सुना है कि बीवी जो है ना वो इंसान के लिए क्या क्या कुछ नहीं बन रहा है, इंसान तंग कर देता है ना। बीवी बीवी जब बीवी होती है ना तो इसी बीवी ने कि वो रैली में जाते आपको रैली में छोड़ दे। वो होती है जो शोहर को गीली जगह से उठा के सूखी जगह पे डालती है। ये गलत बात है, आप खुद गीली जगह। ये गलत बात, ये गलत बात, ये गलत बात। वो सूखी जगह से ले गए थे गीली जगह में। तो एहतजाज से पहले शादी करेंगे या एहतजाज करेंगे पहले? एहतजाज के बाद करेंगे शादी। बिल्कुल सही बात है, बनता भी यही है, ऐसे ही है। ये देखा ना दूल्हा चंगा भला तू बुढ़ी लैन जा रहे हैं तो एकदम एहतजाजी रैली जी शामिल हो गया। भाभी साड़ी ले आ गए ने। बंदा दुल्हन लेने जाए, एहतजाज तो बाद में भी होते रहेंगे। भाई आपसे रिक्वेस्ट है, पहले जाके अपनी बेगम नु ले आओ, फिर एहतजाज चल जाना है। नो वेको कोई और कोई ला। क्यों बेटा, क्या सुनाना चाहती हो? पोएम सुनाई, जरा जल्दी से पोएम सुनाए। तितली हूँ मैं, तितली हूँ, फूलों से मैं निकली हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, मुन्ने की अम्मी मोटी, खाए रबर रोटी, मुन्ने के अब्बा लंबे जैसे बिजली के खम्बे। क्या बनेगा दुल्हन? ये तो इसकी बदकिस्मती है ना, जब बार बार ये लेने के लिए जाते हैं तो इधर एहतजाज बनता है ना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਜੇ ਭਜੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਐਨਕ ਵੀ ਲਾਈ ਜੇ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਸੁਰਮਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੁਰਮਾ ਲਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਦੂਰ ਰੱਖੇ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੜਾ। ਤੋ ਕਿਆ ਸੋਚਿਆ ਆਪਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ 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 ਜੋ ਆਪ ਕਹੇਂਗੇ ਉਹੀ ਸੋਚ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਗੱਲ? कद्दू जवान होया हुंदा है, नहीं आप खाने पीने वाले बंदे हैं इसलिए। नहीं नहीं खाने, अब आपकी तरह तो नहीं है, मूली की तरह खाने पे। यकीन करो इंज लग रहा थलो पिंडा वेखना ताडा खिल रहा, तो ताडा मुंह वेखना गोल, इंज लगता वड्डे छापे च कल्ला गोंगलू पे है। क्या मसला हुआ दूल्हा, क्यों चला गया आपने? मसलन टाइम से निकाह नहीं पढ़ाया तो जहाज में चला गया वो बंदा। भाई हम तो टाइम से पहुंचे थे, वो कहते हमने नहीं पढ़वाना। बोल नहीं बबर जी, चिड़ा घर जी नचदा हो गया। सर क्या पैगाम देंगे दूल्हे को? मैं दूल्हे को क्या कहूँगा, उसे कहूँगा भाई खामोशी से अपनी धुनलिया ले जा बस, और इधर उधर ना भड़क, नहीं तो ये भी जाएगी हाथ से। तो मैं लग रहा है कि तुसी डांसर भी हो, विच तुहाडे को डांसर है जी। हे गाना डांसर जी, मैं आपको गाना सुना सकता हूं। सुना सुना जरा, सुना जरा। मैं तेनू ऐनक लगा के, जरूरी है ऐनक लगा लो, तुसी किसी नु अखां विखान जोगे है ही नहीं। अच्छा जी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी, ओ की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। तू नहीं आंदा, नहीं अगे ले अगली गल सुनो ना, ये क्या इतना सा गाना सुना दिया आपने भाई, इतना ही आता, दुख हो जाता इसका, इमोशनल हो जाऊंगा। हाँ जी, मैं खुद टिकटॉक बनाता हूँ जी। अच्छा टिकटॉक में होते हैं, घर नहीं होते। अच्छा शेर आता आपको, कोई शेर सुना है जरा प्लीज। इन हसरतों से कह दो कि कहीं और जा बसें, आए हाय। इन हसरतों से कह दो कि कहीं और जा बसें, इतनी जगह नहीं है इस दिल दागदार में। अरे चार दिन जिंदगी उधार मांग कर लाए थे, चार दिन जिंदगी उधार मांग कर लाए थे, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। क्या बात है, मैंने जेन जा रहा सी कि तुसी उधार मांगदे हो। यानी समझ गया मैं, अब आप शादी नहीं करने वाले, इस शेर के बाद शादी नहीं करने वाले। शादी हुई, शादी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तदी दुखी हो गए हो आपकी तो शादी हो गई है जी जी, लग रहा है बड़े बच्चे जी, बड़े बच्चे खुश हैं आप शादी करके। अल्लाह का शुक्र है। हां जाहिर है अल्लाह का शुक्र है, उन सामने भाभी खलोती छोकरी कहना तुसी ये बात कल्ले आ तो तुसी रो रो मर जाना। दुल्हन लेने नहीं गया, दुल्हन इंतजार में है। एक्चुअली बात यह है कि महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ना वो दूल्हा को जो है ना काफ़ी तकलीफ हुई है, इतना वो जो है ना उधार पे पैसे उठा के उसने शादी की। हाँ, तो वो इसलिए महंगाई की वजह से वो चला गया कि मैं स्पेशली तो खान साहब से करूँगा। हाँ जी, खान साहब से यही कहूँगा कि महंगाई कम करें, ताकि जितने लोगों की ना जो कुंवारे हैं जो रंडवे हैं बेवा हैं सबकी शादियाँ हो जाएँ, बस यही है। क्या कहते हैं, क्यों गया एहतजाज में वो? वो तजाज में जाना दोस्तों बेहतर लगा है ना, उसको ज्यादा बेहतर लगा। हाँ। कि हो जाएगा मेरे नाल, महंगाई इतनी हो गई। हाँ, उसने कहा मगर गल है कि उन्हें यही कि उन्हें तंग आके कहना कि मैं मर जाना। नहीं नहीं, ये तो ब्याह तो बाद एहतजाज करना चाहिए उन्हें कि ले जाओ बुड्ढी खुदा। उस तो पहले भी तो हो सकता है, उन्होंने कि ले थे पी है मैं तबाह जरा पहले मैं। नाज़रीन, आपने देखा है कि दूल्हे ने एहतजाज किया है, एहतजाज करना चाहिए, लेकिन ऐसा एहतजाज नहीं करना चाहिए कि पहले भैया दुल्हन को ले आओ घर, लाओ उसको, अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारो और हंसते रहो मुस्कराते रहो, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारो। कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और उस परवरदिगार पर यकीन रखें। सब कुछ करने वाला वही है। मस्करिया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, साथ है, साथ है, साथ है, साथ है, साथ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।